ट्रिक नंबर 11, ठीक, पूछा जा रहा है कि खो खो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं और बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं और बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, बताएं। तो सही जवाब देखिए क्या होगा कि जिसे खा खा लिखा हुआ है, जब हम खो खो लिखते हैं तो देखिएगा ये, राइट, यहाँ पर भी ये देखिए, अब दिख गया होगा खो खो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, 9। जब मात्रा लगाते हैं इसमें 9 दिख रहा होगा, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। अगर ये पूछा जाए कि बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसको भी देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये देखिए, ठीक है, तो बेसबॉल में भी 9 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में भी 9 खिलाड़ी होते हैं और बेसबॉल में भी 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, तो इस तरीके से याद करेंगे तो पेपर में गलती नहीं होगी।